बीसीसीआई ने विमेंस टी20 चैलेंज का ऐलान कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने विमेंस टी20 चैलेंज का ऐलान कर दिया है। विमेंस टी20 चैलेंज, जिसे मिनी वुमेन आईपीएल कहा जाता है, उसका आयोजन शारजहां में होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इससे पहले बीसीसीआई ने ऐलान किया था इस बार विमेन आईपीएल में 4 टीमों को शामिल किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस विमेंस टी20 चैलेंज के लिए ऑक्शन का आयोजन नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इस बार सिर्फ 3 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं, जिनमें सुपर नोवाज, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स टीम का नाम शामिल है। विमेंस टी20 चैलेंज की शुरुआत 4 नवंबर को शारजहां में होगी। ये मुकाबला भारतीय समय के हिसाब से शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहला मुकाबला सुपर नोवाज और वेलोसिटी टीम के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 5 नवंबर को वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स टीम के बीच शारजहां में दोपहर को 3:30 बजे से खेला जाएगा। ये तीसरा और आखिरी लीग मैच ट्रेल ब्लेजर्स और सुपर नोवाज के बीच 7:30 बजे से 7 नवंबर को शारजहां में ही खेला जाएगा। वहीं अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली 2 टीमें सीधे फाइनल में पहुंचेंगी। वुमेन आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला भी शारजहां में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला 9 नवंबर को खेला जाएगा। इसके एक दिन बाद आईपीएल 2020 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये है विमेंस टी20 चैलेंज 2020 का शेड्यूल। आपको बता दें, सुपरनोवाज टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, वाइस कैप्टन जेमिमा रॉड्रिक्स हैं, ट्रेल ब्लेजर्स टीम की कप्तान स्मृति मंदाना हैं, जबकि वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा हैं, वेलोसिटी टीम की कप्तान मिताली राज हैं, जबकि वेदा कृष्णमूर्ति टीम की वाइस कैप्टन हैं। विमेन आईपीएल 2020 में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। एक थाई क्रिकेटर को भी बीसीसीआई ने विमेंस टी20 चैलेंज के लिए एक टीम में चुना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।